फेसबुक वीडियो देखने का अपना अलग ही मजा है, लेकिन अगर कोई वीडियो आपको ज्यादा अच्छा लगे और उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक से आप चुटकी में फेसबुक की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो ऐसे यहाँ पे आते हैं फेसबुक पे जिसको आपको देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि उसको मैं अपने फोन के अंदर स्टोर कर लूँ, फिर बाद में किसी के साथ शेयर करूँ व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी आप सोशल मीडिया पे। तो अगर आप डायरेक्टली अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो वीडियो डाउनलोड नहीं होती, तो ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो चलिए हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप फेसबुक वीडियो को तुरंत के तुरंत अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी उसको देख सकते हैं या फिर स्टोर करके रख सकते हैं। तो फेसबुक की वीडियो को कंप्यूटर पे डाउनलोड करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा जब इस ट्रिक को आप सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने फेसबुक के अंदर लॉगिन करके रखा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो बहुत सारी। तो जैसे कि यहाँ पे एक ये वीडियो है, अगर मैं इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर IDM होता है या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे डाउनलोड मैनेजर होते हैं जो यहाँ पे कभी कभी काम नहीं करते, कभी कभी क्या काम ही नहीं करते। तो आपको अगर इस वीडियो को डाउनलोड करना है तो सिंपल आपको करना क्या है कि इस वीडियो के ऊपर आपको जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक आप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, प्ले म्यूट, यहाँ पे शो URL, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा शो URL और फिर इसके बाद से डबल क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लूंगा। तो जैसे मैंने ये वीडियो कॉपी कर लिया, अब मैं नया टैब ओपन करूंगा, फिर इसके बाद से इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अभी ये उसी वीडियो का लिंक है, जैसे कि मैं अभी आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये जो वीडियो आई है ये अभी उसी का लिंक है। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो www यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ आपको M यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो www है ये डेस्कटॉप के लिए ओपन होता है, वो यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए होता है, लेकिन अगर आपको जब आप इसको मोबाइल वर्जन में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि यहाँ पे आप M लिख देंगे तो ये मोबाइल की तरह ओपन हो जाएगा, यानी कि अब ये जो फेसबुक चल रहा है ये मोबाइल की तरह चलेगा। तो इसको हम यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे ताकि ये हम वेबसाइट पे आ जाएं, तो ये कुछ ज्यादा जूम हो जाएगा, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो वीडियो डाउनलोड करना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, अब ये वीडियो के ऊपर जाना है, आपको यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर देना है। तो सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये लोकेशन पूछेगा, तो आप यहाँ पे किसी भी आप डायरेक्टरी में यहाँ पे अपने लोकेशन को यहाँ पे पुट करके सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके सिस्टम के अंदर IDM है तो आप यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डाउनलोड मैनेजर का यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये ट्रिक नहीं अपनाते हैं तो ये आपका डाउनलोड यहाँ पे करने का ऑप्शन कोई आएगा नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ पे इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल डाउनलोड होने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने अभी इस पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी फाइल है ये 2.88 MB की यहाँ पे डाउनलोड होके इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। तो बेसिकली अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपकी जो फाइल, जैसे कि मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पे, अगर सिंपल इसको यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इस ट्रिक को यूज करते हुए आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।